brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। मेडिकल के पेशे और इसकी पढ़ाई करने वाले छात्र दोनों के हितों से जुड़े कुछ मामले बीते दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं। 13 जून को इस दिशा में अहम डेवलपमेंट्स हुए, आज हम इनकी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पानी पर पहरे की। हम सुनते आए हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पानी की अहमियत तेल के बराबर होगी, तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा पानी के लिए। अब अपनी आंखों के सामने हम ऐसी स्थितियों को बनते तो देख ही रहे हैं, इस पर भी आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। नीट यूजी 2024 वाले मसले पर परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ियों पर 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। इन छात्रों को अब दो ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो वो अपने ग्रेस मार्क्स छोड़ दें और तब अपनी रैंक देखें, यानी कि जो ओरिजिनल उनका मार्क्स थे उनके हिसाब से अपनी रैंक पाएं, या फिर दोबारा परीक्षा दें और तब जो नतीजा आएगा उसे वो स्वीकार करें। री एग्जाम 23 जून को कराया जाएगा और नतीजे इसके 30 जून को आ जाएंगे। ग्रेस मार्क्स पाने वाले जो कैंडिडेट्स ये रीटेस्ट नहीं देना चाहते उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स के बिना पुराने स्कोर कार्ड के आधार पर ही मान लिया जाएगा। केंद्र के इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर कई राज्यों की हाईकोर्ट्स में भी याचिकाएं दायर की गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब हाईकोर्ट में इन शिकायतों पर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल नीट से जुड़ी 3 याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें मांग मोटा माटी एक ही रही कि इम्तिहान में व्यापक अनियमितताएं हुई हैं, ग्रेस मार्क्स देने में कथित विसंगतियां हैं, इस वजह से नीट यूजी 2024 रद्द की जाए और दोबारा परीक्षा हो। इन 3 में से एक याचिका फिजिक्स वाला के CEO अलक पांडे ने दायर की है। याचिका में दावा है कि ग्रेस मार्क्स देने का NTA का फैसला मनमाना है। कथित तौर पर उन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से दस्तखत जुटाए हैं। दस्तखत जिस एप्लीकेशन पर लिए गए हैं उसमें लिखा है कि करीब 1,500 छात्रों को 70 से 80 अंक रैंडमली दे दिए गए। दूसरी याचिका अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी। वो नीट यूजी 2024 के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसी याचिका में ये भी मांग की गई थी कि पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक नई काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए। तीसरी याचिका नीट उम्मीदवार जरीपती कार्तिक ने दायर की थी, जिसमें परीक्षा के दौरान खराब हुए समय के लिए जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया गया उसे उचित नहीं बताया गया। ये एक हम बोल सकते हैं जीत है, पार्शियल जीत है, बट मुझे लगता है कि जीत नहीं है। NTA इज ट्राइंग टू पुश द प्रॉब्लम अंडर द कारपेट। हमारी जो मांग है, बच्चों की जो मांग है, वो ये है कि हम फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन कराएं इस पूरे मैटर के ऊपर, क्योंकि काफी सारी चीजें इसके अंदर कवर नहीं की गई हैं। पहली कि केवल 1563 स्टूडेंट्स ही इंपैक्टेड हैं क्या, क्योंकि ये डेटा भी NTA के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था कि इतने लोगों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है और वो उस पर डिपेंडेंट था जितने बच्चे हाईकोर्ट के पास गए हैं। बट बहुत सारे दूर दराज में गरीब बच्चे हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, वो नहीं आ पाए आगे हमारे सामने और कोर्ट के पास नहीं जा पाए, जिसके कारण से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतने बच्चे ही इंपैक्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये 2018 में जो क्लैट के अंदर इशू हुआ था उसमें केवल 25 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, बट टोटल इन्वेस्टिगेशन के बाद 5,000 लोग इंपैक्टेड थे, विच इज 200 टाइम्स। तो अगर हम 1563 बच्चों की बात हम कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चे जो इंपैक्ट हुए हैं वो 1 से 2 लाख इंपैक्ट हुए हों। 13 जून को सुनवाई हुई तो सभी दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि दिशा पंचाल बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसी के आधार पर एक शिकायत निवारण समिति ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस फॉर्मूले को चुनौती दी गई थी। NTA ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए एक और समिति का गठन किया। समिति ने 10, 11 और 12 जून को मीटिंग की, अपनी सिफारिशें कोर्ट को सौंपी। सुझाव दिया कि 4 जून 2024 को जारी किए गए 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और वापस ले लिए जाएंगे। इस पूरे मामले पर NTA पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और जुड़ रहे हैं नए नए तथ्य, जैसे ये तथ्य कि इम्तिहान कंडक्ट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का रजिस्ट्रेशन बंद होने के बावजूद एक दिन के लिए फिर रजिस्ट्रेशन खोला था। फिर कुछ सेंटर्स को लेकर भी संशय है कि वहां गड़बड़ हुई, पेपर लीक होने के भी इल्जाम लगे हैं। इस पर NTA ने जवाब भी दिया है।
विवाद शुरू हुआ नतीजे आने के बाद से, क्योंकि पिछले साल 720 में से 720 लाने वाले छात्रों की संख्या 2 थी और इस बार 67 कुल 67 छात्रों को पूरे पूरे नंबर मिल गए। एनटीए का कहना है कि ऐसा इसलिए कि बीते कुछ सालों के मुकाबले इस बार उम्मीदवारों की संख्या भी ज़्यादा थी, लिहाजा पास होने वाले और 720 अंक हासिल करने वालों की संख्या भी बड़ी है। फिर कुछ छात्रों को 718 और 719 नंबर भी मिले, जो आम नहीं है। दरअसल हर प्रश्न 4 नंबर का होता है, इसलिए 718 नंबर मुमकिन नहीं है। छात्रों के सवाल पर एनटीए ने कहा कि ऐसा संभव है क्योंकि ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स दिए क्यों गए? एनटीए के मुताबिक बहुत सारे छात्रों का पेपर छूट गया। कैसे? परीक्षा शुरू करने में देरी की वजह से। अब ये अपने आप में एक बात है कि परीक्षा में देरी आखिर कैसे हो गई। सवाई माधोपुर राजस्थान के सेंटर पर क्या हुआ था? एनटीए ने बताया कि सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने गलती से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी प्रश्न पत्र दे दिया था और कहीं कहीं इसका उल्टा भी हुआ था। आप कह ही नहीं सकते हैं कि इतने ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है या इतना पेपर आसान आ गया है कि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए था। आप देखिए कि 2021 में 3 रैंक्स आई थी, रैंक 1, 2022 में 1, 2023 में 2, तो आप देख लीजिए अगर कितना भी इन्फ्लेशन, कितना भी आप लॉजिक लगा लीजिए, आप शायद 5 से 6 AIR 1 एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस टाइम आपको 67 के अंदर 44 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मिला है विदाउट एनी मेंशन ऑफ ग्रेस मार्क्स। 6 बच्चे को ग्रेस मार्क्स जो रॉन्ग टाइमिंग के कारण मिला था, जो 1563 के अंदर पाए जाते हैं, उनको 720 नंबर मिले हैं, और जो 17 लोग हैं बच्चे, उनको फिजिक्स के अंदर गलत मार्क्स के कारण उनको ग्रेस मार्क्स मिला था। तो आप 44 बच्चे जो हैं जिनको कोई ग्रेस मार्क्स का मेंशन नहीं है, उनको 720 आउट ऑफ 720 मिला है। इसका क्या मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुई है, या तो पेपर बनाने में, पेपर कंडक्ट करने में। और ये एग्जैक्टली हम मांग करते हैं कि पेपर लीक हो या फिर जो रैंक इन्फ्लेशन का हम बात कर रहे हैं उसको डिटेल में स्क्रूटनाइज किया जाए। अगर नहीं हुआ है, एनटीए शुड कम आउट एंड क्लीन। एटलीस्ट पीपल शुड नॉट लूज ट्रस्ट इन द नीट सिस्टम। नीट हमारे केवल भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम है। 23-25 लाख बच्चे इसको हर साल देते हैं। इसमें जो लोग स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बनते हैं वो हमारे देश का भविष्य होते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं कि जहां पर हम वी लीव द थिंग्स ऑन चांसेस। 44 स्टूडेंट गेटिंग AIR 1 इज एब्सोल्युटली अ जोक। पेपर लीक के आरोपों पर और नीट के पूरे मसले पर भारत सरकार का भी पक्ष है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं मिला और ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। ये तो हुई देश के भावी डॉक्टर्स की बात जिन्हें MBBS की पढ़ाई करनी है। अब बात उनकी जो डॉक्टरी की पढ़ाई तो कर चुके हैं लेकिन डॉक्टर का दर्जा पाने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना होगा। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो भारत के बाहर यानी विदेश से MBBS करके लौटे हैं, जिन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट यानी FMG कहा जाता है। इन्हें लेकर NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने बीते दिनों एक पब्लिक नोटिस जारी किया। क्या लिखा नोटिस में? ये देखा गया कि कई FMG गलत तरीके से अपने द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अपने मूल विश्वविद्यालयों से कंपेंसेटरी सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। ये पेशा बहुमूल्य मानव जीवन से जुड़ा है, इसलिए उनके जीवन को कम दक्ष लोगों के हाथों दांव पर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए UGMEB यानी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अब से ऑफलाइन प्रैक्टिस या क्लिनिकल ट्रेनिंग की जगह ऑनलाइन क्लासेस करके हासिल किए गए सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। NMC के नोटिस में यह भी लिखा है कि जिन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने अपने पाठ्यक्रम पूरा करने के दौरान किसी भी अवधि के लिए अपनी कक्षाओं में ऑनलाइन भाग लिया है, उन्हें FMG परीक्षा पास करने और उसके बाद 2 या 3 साल की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप यानी CRMI से गुजरना ज़रूरी होगा।
यानी विदेश से MBBS की पढ़ाई कर भारत लौटे छात्रों को 2-3 साल की इंटर्नशिप भी करनी होगी। बात इससे आगे बढ़ाएं उससे पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए बने नियमों पर बात कर लेते हैं, जिसके मुताबिक विदेश से MBBS की पढ़ाई कर आने वाले छात्रों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल सर्विसेज द्वारा आयोजित FMG एग्जामिनेशन यानी FMGE को पास करना पड़ता है। स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें प्रोविजनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। इसके बाद आती है इंटर्नशिप के बारे, जो कि पहले 1 साल की होती थी, लेकिन साल 2022 में इसका पीरियड बढ़ा दिया गया। लेकिन किन FMGs के लिए बताते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप नेशनल मेडिकल कमीशन का एक नोटिस देख रहे हैं। 28 जुलाई 2022 के इस नोटिस में लिखा है कि जिन FMGs की पढ़ाई COVID-19 या रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बाधित हुई, उन्हें 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अब मेडिकल कमीशन के ताज़े नोटिस के मुताबिक सभी FMGs को 2-3 साल की इंटर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे लेकर 3 दिन पहले यानी 10 जून को विदेशी मुल्कों से MBBS की पढ़ाई कर भारत लौटे छात्र दिल्ली में नेशनल मेडिकल कमीशन के दफ्तर के बाहर जुटे थे। कई छात्रों का कहना है कि उनके परिवार ने लोन लेकर उन्हें विदेश पढ़ने भेजा। अब अगर वो 5 साल मेडिकल की पढ़ाई के बाद 3 साल तक इंटर्नशिप ही करेंगे तो कर्ज कब चुकाएंगे? मेरा नाम डॉक्टर भगवान है, मैं एक जॉर्जिया से ग्रेजुएट हूँ। पहले NMC का रूल था कि 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, लेटेस्ट ही रूल आया है कि 2-3 साल की इंटर्नशिप करनी है, जो कि बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा लोन लेके पढ़ने जा रहा है और फिर आके 3-2 साल तक इंटर्नशिप करता रहेगा, तो फिर वो कब पैसे कमाएगा, कब अपने लोन को चुका पाएगा। और वही इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो कि सेम टाइम पे कोविड में ग्रेजुएट हुए हैं, उनको 1 साल ही करना है। हम लोग कोविड में ग्रेजुएट हुए हैं, हमको 2-3 साल करना है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु यादव है। पहले हमको 5 साल का कोर्स बोला गया था, बट अब उस कोर्स की ड्यूरेशन भी इन लोगों ने बढ़ा दी है फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, जो अब 6 साल कर दी है कोर्स की ड्यूरेशन। और जो कंपनसेशन लेटर अब जो ये बता रहे हैं कि इनवैलिड है, ये कोविड में इन्हीं की गाइडलाइन आई थी, इन्हीं की नोटिफिकेशन आई थी कि आपको अपने कॉलेज में जाके एक्स्ट्रा आवर्स पुट ऑन करके आपको अपने प्रैक्टिकल और आपके एग्जाम्स कवर अप करने हैं, जो क्लासेस आपकी मिक्स हुई है वो हमने एक्स्ट्रा टाइम दे के अपनी गर्मी की छुट्टियाँ जो है वहाँ पर हमने रुक कर सब ने सारा का सारा कंपनसेट किया है, उसकी बिहाफ पे हमें कंपनसेशन लेटर मिला है जो कि वहाँ हर तरीके से वेरीफाई होता है। और ये NMC ने ही पहले गाइडलाइन दी थी कि कंपनसेशन लेटर आपको बनवाना पड़ेगा जो कि वैलिड होगा, बट अब इन्होंने क्या करा है, इनकी मनमर्जी चला रहे हैं ये। अब इन्होंने क्या करा, वो कंपनसेशन लेटर को भी इन्होंने कह दिया कि ये वैलिड नहीं है, हम इस कंपनसेशन लेटर को नहीं मानेंगे। यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया जैसे कई देशों से MBBS करके लौटे छात्रों की दिक्कत सिर्फ इंटर्नशिप तक सीमित नहीं है। इनका कहना है कि भारत में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले और विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नियम एक होने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में पढ़ने वाले IMG यानी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को FMGE की परीक्षा नहीं देनी होती, साथ ही उनकी इंटर्नशिप का पीरियड सिर्फ 1 साल का होता है। दूसरी ओर इंटर्नशिप पूरी करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए भारत में पढ़े छात्रों और विदेश में पढ़े छात्रों की फीस का अंतर भी एक मुद्दा है। सुनिए दूसरे देशों से मेडिकल की पढ़ाई कर आए छात्र अपनी और क्या समस्याएं बता रहे हैं। मेरा नाम रुचि है और मैंने अपनी MBBS पुश्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया से करी है। प्रॉब्लम्स जो रशिया के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है उसमें से एक है कि हमने कंप्लीट सब कुछ ऑफलाइन करा है, डिग्री भी हमने ऑफलाइन रिसीव करी है, एग्जामिनेशन भी हमने ऑफलाइन दिए हैं, उसके बाद भी हमें ये सेकेंड ईयर ऑफ इंटर्नशिप कंटिन्यू करने को कह रही है स्टेट मेडिकल काउंसिल, जबकि जो भी हमारा पार्ट जितना भी कोविड के टाइम पीरियड पर ऑनलाइन था वो हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में कंपनसेट कर लिया है, वो थ्योरेटिकल पार्ट था, और हम सेकेंड टाइम उस चीज़ को यहाँ पे कंपनसेट क्यों करें, वो हमारा कंपनसेशन वैलिड माना जाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सूरज पटेल है, मैंने अपना MBBS चाइना से किया है, मैं 2017 बैच से हूँ। हम लोग वहाँ से इनके जो अलॉटेड ऑथराइज कॉलेजेस हैं NMC के, वहाँ से हम लोग अपना MBBS करते हैं। करने के बाद हम लोग इंडिया आने के बाद हम 19 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है जिसको FMG बोलते हैं, वो लेवल उसका PG के जैसा होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद भी हम लोग 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, फिर भी हम लोग को ये लोग 2-3 साल इंटर्नशिप करने के लिए बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ ही NMC क्या बोलती है PG के बच्चों को कि अगर उनका 0 नंबर में 0% पे भी वो कॉलेज दे रहे हैं, तो ये भेदभाव जो हो रहा है FMG और IMG कर रहे हैं, और एक तरफ PG वाले बच्चों को ये 0% पे दे रहे हैं और हम लोग उसे 2-3 साल का इंटर्नशिप करा रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है गवर्नमेंट से और NMC से कि प्लीज़ सारे बच्चों को 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाए। कहीं पर भी दुनिया के अंदर आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप 2 साल की इंटर्नशिप करें इस मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। सो, मेरा इतना ही कहना है कि अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल को ये लगता है कि हमारी स्टडी के अंदर अगर 2-3 महीने अगर हमारी स्टडी के कम पड़ गए, तो मैं इतना ही उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें आप 2-3 महीने की अनपेड आप दोबारा से इंटर्नशिप करवा लें। This
बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, अगर एक देश के नागरिकों ने कभी सफर किया है उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग एक सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस बायस लेके चलते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट, और ऐसा कहने में किसी को कोई हिचक नहीं है, चाहे वो IMG हो, चाहे वो FMG हो, चाहे कोई भी हो, और वो फील कर सकता है जेन्युइनली ये पेन एक फॉर्मेट ग्रेजुएट की कि गलती क्या है। अगर आपसे परमिशन लेके वो बाहर गया था तो क्या आप उस डिसीजन का हिस्सा नहीं हो? अगर कोविड आया तो क्या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ग्रुप की उसमें गलती थी क्या? हम शायद बोल रहे हैं इस बात को कि ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, ये बिल्कुल मिथ है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि सारे फॉर्मेट ग्रेजुएट्स नहीं पढ़ते। मैं 12 साल से जुड़ा हुआ हूं और बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाकर देखा है, हर प्रकार के बच्चे हर जगह होते हैं। क्या हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि इंडिया में पढ़ने वाले सारे मेडिकल कॉलेज में सारे बच्चे एक जैसे हैं? मैं भी IMG हूं, मैं भी जानता हूं एक 150-200 क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, कुछ पढ़ने वाले कुछ कम पढ़ने वाले। ऐसे ही बाहर पढ़ने वाले बच्चों में भी उस तरह के डेफिनेटली ग्रुप होते हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक कम्युनिटी को लेबल कर देना और उसको उस वजह से रोज कोई ना कोई नए सर्कुलर से हेरासमेंट फेस करने का रीजन मिलना, क्या ये सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है? बड़ी खबर यहीं तक, अब चलते हैं दिन की सुर्खियों पर। भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, पानी की कमी हो गई है, पीने के पानी की भी कमी है। 13 जून को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर उठा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश से कहा था कि दिल्ली को अतिरिक्त पानी मुहैया कराएं, पानी हिमाचल से दिल्ली तक ठीक तरीके से छोड़ा जाए, ये सुनिश्चित करने का काम हरियाणा सरकार को दिया गया। लेकिन 13 जून की सुनवाई में हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से हाथ खड़े कर दिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास अतिरिक्त पानी है ही नहीं। इससे पहले हिमाचल ने पानी देने की हामी भरी थी। 3 जून की सुनवाई में कोर्ट ने बताया भी था कि सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि दिल्ली के नागरिकों के सामने पानी की समस्या को लेकर आपस में टकराव नहीं करेंगे और समाधान निकालेंगे। लेकिन अब हिमाचल सरकार ने कहा है कि हलफनामे में गड़बड़ी रह गई थी और अब हिमाचल सरकार अपना जवाब बदलना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद सेंसिटिव मामले पर गलत जवाब देने पर हिमाचल सरकार को फटकार भी लगाई। आप जानते ही हैं कि दिल्ली के पास अपना जल स्रोत कोई है नहीं बहुत बड़ा। उत्तराखंड और हरियाणा से होते हुए यमुना का पानी आता है, बरास्ता यूपी हरियाणा गंगा नदी का और भाखड़ा नंगल का पानी भी आता है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन और भाखड़ा नांगल से रावी व्यास का 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता था। कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर जैसे सोर्स मिलाकर दिल्ली को हर दिन 96.9 करोड़ गैलन पानी मिलता है। लेकिन दिल्ली की 2.25 करोड़ से ऊपर की आबादी को हर दिन चाहिए 129 करोड़ गैलन पानी। अब जब भयंकर गर्मी में यह मांग पूरी नहीं हो पा रही तो बड़ा जल संकट पैदा हो गया है। अगली सुर्खी देश के कुछ प्रमुख पदों से जुड़ी हुई है जिन पर नए नाम तय हो गए हैं। पहला पद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, अजीत डोभाल तीसरी बार NSA रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा भी पद पर बने रहेंगे। डोभाल और PK मिश्रा के कार्यकाल के दौरान कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त रहेगा। अमित खरे और तरुण कपूर को भी अगले आदेश तक प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में बरकरार रखा जाएगा। अजीत डोभाल के नाम से आप परिचित हैं ही, 1968 के केरल काडर के वो IPS हैं, सक्रिय रूप से मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में एंटी टेररिज्म अभियानों में शामिल रहे हैं। इसी तरह PK मिश्रा गुजरात काडर के 1972 बैच के IAS अधिकारी हैं। 2001 से 2004 के दौरान भी PK मिश्रा ने नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में काम किया है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब की बात है। अब चलते चलते एक सूचना हमारे उन मित्रों के लिए जो न्यूयॉर्क या उसके आसपास रहते हैं। रविवार को न्यूयॉर्क में कर सकते हैं ललन टॉप मुलाकात हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी के साथ। 16 जून को अगर मिलना है तो मेल कीजिए ltadda@lalantop.com पर। आपको जगह और समय के बारे में भी एक्यूरेट जानकारी मिलेगी आपके इनबॉक्स में। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपने का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभरात्रि।